हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक तरफ मार्केट में गिरावटें हो रही है तो दूसरी तरफ पावर सेक्टर के दो ऐसे पेनी शेयर हैं जिसमें ज़बरदस्त तेजी देखने को मिली। पहली पेनी स्टॉक है जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड। दोस्तों, मार्केट ओपन होते ही इन्होंने 6% की बढ़त बनाई थी और इस समय 10:02 हो रहे हैं, इन्होंने 9.5% की बढ़त बनाई है और मार्केट इस समय 8.15 रुपये पर ट्रेड कर रही है। जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड पिछले एक महीने से एक ही रेंज में ये कारोबार कर रही थी और अगर आप देखें यहाँ पर दोस्तों, तो 14 नवंबर से लेकर 9 दिसंबर के बीच में ये शेयर जहाँ से शुरुआत की थी और आज के रेट में वहीं से इन्होंने तेज़ी को दिखाया है। पिछले 6 महीने के चार्ट के अनुसार से अब तक निवेशकों को 20% का रिटर्न निकाल के दिया है और आज के डेट में जिस तरह का बॉटम बना रही है कि ये शेयर 8.50 रुपये के लेवल को टच कर सकता है। दूसरा पेनी स्टॉक है सुजलोन एनर्जी लिमिटेड, जिन्होंने अब भी 7.5% की बढ़त बनाई है और मार्केट 10 रुपये पे ट्रेड कर रही है। दोस्तों, इन शेयरों में भी संभावनाएं बन रही है कि 11.20 रुपये के लेवल को टच कर सकता है। इसके पहले पिछले कुछ दिनों की चार्ट को देखें, पिछले 5 दिनों में इन्होंने 1% की गिरावट दर्ज की थी, यानी कि आज के डेट में जो इन्होंने तेजी लाई है इसके पहले यह अपने निवेशकों को 8% की गिरावट हुआ था। पिछले एक महीने के रिकॉर्ड के अनुसार तो यह शेयर पिछले 15 दिन में अपने निवेशकों को 25% का रिटर्न दिया है। उसके पहले यह शेयर काफ़ी समय तक एक ही रेंज में कारोबार किया है और अगर हम पिछले 6 मंथ की बात करें तो इन्होंने 33% का रिटर्न निकाल के दिया है। तो आपके पास दो ऑप्शन है, सुजलोन एनर्जी, दूसरा जेपी पावर, जिन्होंने 25% का रिटर्न दिया है पिछले 6 महीने में। अगर किसी एक कंपनी में निवेश करना है लंबे समय के लिए तो कौन सी कंपनी बेहतर होगी, तो आइए इस कंपनी की फंडामेंटल पे ध्यान रखते हैं। जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड, यह कंपनी उत्तराखंड में जल विद्युती के लिए फेमस है और यह कंपनी का जब फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हुआ करता था तो उस समय इसका ऑल टाइम हाई 137 रुपये का था। कंपनी लगातार कर्ज में डूबते गई कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए, जिनका नतीजा आज के डेट में आप देख पा रहे हैं। खैर, इस बीच में यह कंपनी का जो लो रहा वो 70 पैसे का था 17 अप्रैल 2020 में और उस समय से लेकर अब भी इन्होंने अपने निवेशकों को लगभग 1000% का रिटर्न निकाल के दे दिया है। प्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड मार्केट कैप के हिसाब से एक मिड कैप की कंपनी है, 5606 करोड़ की प्राइस अर्निंग रेशियो 13 पे ट्रेड कर रही है, जो कि सस्ते वैल्यूएशन पे ये आपको शेयर मिल रही है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयज 7 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 1.64% का है, बुक वैल्यू देखें तो 15.60 रुपये पे ट्रेड कर रही है, यानी कि अब भी ये शेयर अंडर वैल्यूड काम कर रही है, क्योंकि आप बुक वैल्यू को देखें तो करेंट प्राइस से 2 गुने पे ट्रेड कर रही है। तो यहाँ पर आप शॉर्ट टाइम में भी 100% कम से कम 25-30% का आपको रिटर्न मिलने की संभावना बन रही है। इस बीच में कंपनी का हाई 11.20 रुपये का रहा, लो 4.75 रुपये का, फेस वैल्यू 10 है। जैसा कि हमने आपको शुरुआती में कहा कि कंपनी में सुधार देखने को मिली है, तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम सितंबर 2019 की बात करें तो कुल मिलाकर इन्होंने 791 करोड़ का सेल किया। इस बीच में कंपनी को नुकसान कितना हुआ था तो 165 करोड़। अब उसके बाद अगर हम 2019 के क्वार्टर 2 के रिजल्ट में देखें तो इन्होंने 835 करोड़ का सेल किया, कंपनी को लॉस कितना हुआ तो 1816 करोड़। तो यहाँ तक लगातार कंपनी ने लॉस की है, उनके बाद धीरे धीरे यह कंपनी प्रॉफिटेबल होने लगी है। फिलहाल क्वार्टर 1 में फाइनेंशियल ईयर 23 के इन्होंने 1820 करोड़ का सेल किया था और इस बीच में कंपनी को नेट प्रॉफिट 242 करोड़ का हुआ है। और जो पिछले 6 महीने से इन शेयरों में जो दबाव आप देख रहे हैं, इसका कारण यह है कि क्वार्टर 2 में काफ़ी दबाव देखने को मिले था, कंपनी ने मात्र 1385 करोड़ का सेल किया था और इस बीच में मात्र इन्होंने 75 करोड़ का ही प्रॉफिट किया है। जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड के लिए 2016 से लेकर 20 तक बहुत ही खराब समय रहा है, क्योंकि कंपनी रेगुलर तौर पे सेल बढ़ा रही थी लेकिन उसके अकॉर्डिंग भी कंपनी को लगातार लॉस हो रहे थे। अब जाके कंपनी धीरे धीरे प्रॉफिट करने लगी है, तो फाइनेंशियल ईयर 23 में
यह कंपनी 6013 करोड़ का सेल करेंगे। इस बीच में कंपनी को कुल मिलाकर 422 करोड़ का प्रॉफिट होने वाली है। अगर आप क्वार्टर फोर तक इन शेयरों में होल्ड करते हैं तो दोस्तों 100% ये शेयर जो है 15 रुपया से लेकर 60 पैसे के टारगेट को हिट कर सकता है। इस बीच में अपर्स डाउन हमेशा शेयर में बना रहेगा। जब कोई शेयर में ज़्यादा कि शेयरों में वैल्यूम देखने को मिलती है तो ऑटोमेटिक उन शेयरों में तेजी होती है, और आज के डेट में जो तेजी आप देख पा रहे हैं 11,60,55,403, यानी कि पिछले 5 दिनों में इसका औसत इतना बड़ा वैल्यूम नहीं था जितना कि आज देखने को मिल रहा है। जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड को लेकर एक और खुशखबरी है दोस्तों कि ये कंपनी में FII वाले यानी कि विदेशी निवेशक लगातार अपना होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। आप देखें क्वार्टर दर क्वार्टर इन्होंने होल्डिंग को बढ़ाया है और इस समय इनके पास 3.38% की हिस्सेदारी हो चुकी है, और डोमेस्टिक वाले के पास कुल मिलाकर 22% की हिस्सेदारी है, और पब्लिक के पास 50% की हिस्सेदारी है, और प्रमोटर के पास 24% की हिस्सेदारी है, जिनमें कि 88% जो है प्लीज रखी हुई शेयर है। तो यह कंपनी बहुत ही अच्छी है भविष्य के लिए। अब बारी है दोस्तों सुजलोन एनर्जी लिमिटेड की। दोस्तों ये कंपनी हाल ही में राइट इशू लाया था। राइट इशू से ये होता है कि कंपनी के पास ऑप्शन होते हैं फंड को रेज करने का। यह कंपनी हाल ही में 2:5 के रेशियो में फंड को रेज किया है, यानी कि जिन भाई साहब के पास 5 शेयर होंगे बदले में ये कंपनी 2 शेयर खरीदने का ऑफर दिया 5 रुपया पर शेयर के हिसाब से। इस बीच में इन्होंने लगभग 1200 करोड़ का फंड रेज किया था, और इस फंड को ये कहा गया था जो हम फंड को रेज कर रहे हैं इससे हम अपने कर्ज को कम करेंगे। तो कंपनी की भी है, और इस कंपनी को लेकर जो दूसरी खबर थी आज से ठीक 1.5 महीना पहले अदानी ग्रुप की ओर से इसे 410 करोड़ का टेंडर मिला था। किस लिए? तो विंड टरबाइन की प्लांट लगाने के लिए। तो इसका भी असर देखने को मिले था इन शेयर में। फिलहाल दोस्तों आपको बता दें कि मैक्सिमम चार्ट के अनुसार से जब कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रांग हुआ करता था तो उस समय इसका 373 रुपया का ऑल टाइम हाई था 2008 में। ये कंपनी के साथ भी सेम उसी प्रकार से हुआ, कंपनी को ऑर्डर मिलते गई, अलग अलग देशों में प्लांट लगाते गए, और कंपनी क्या कर रही थी कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए लगातार बैंकों से कर्ज लेती चली गई। वही कर्ज को चुकाने में यह कंपनी की शेयर की वैल्यूएशन सबसे ज़्यादा निचले स्तर पर देखने को मिल रहा है। और इस बीच में कंपनी ने जो लो बनाया था वो आप भी देख सकते हैं दोस्तों, 2.11 रुपया 2020 में 14 फरवरी को, और उस समय से लेकर अब भी इन्होंने अपने निवेशकों को बहुत अच्छा रिटर्न निकाल के दिया है लगभग 500% का। सुजलोन एनर्जी मार्केट कैप के हिसाब से 11,722 करोड़ की है, जो एक मिड कैप की कंपनी बन चुकी है। इस बीच में कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 22 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी का डाटा उपलब्ध नहीं है, बुक वैल्यू पे थोड़ी सी संदेह है क्योंकि -25 पैसे पे ट्रेड कर रही है, फेस वैल्यू 2 है। लेकिन जो हमें देखना है दोस्तों इस कंपनी को लेकर कि कंपनी हैज रिड्यूस्ड डेट, यानी कि कंपनी ने जो वादा किया था अपने निवेशकों के से उन्होंने वो पूरा किया, धीरे धीरे वो अपने डेट को कम कर रहे हैं। आने वाले Q3 में एक उम्मीद की जा रही है कि पहले से बेहतर इस बार रिजल्ट लेके आए, क्योंकि कंपनी ने Q1 में इन्होंने ज़बरदस्त 1381 करोड़ का सेल किया था, और इस बीच में कंपनी को देखें कितना 2433 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, यानी कि 250% अधिक हुआ था प्रॉफिट। अब इसी चीज़ को हम देखते हैं Q2 में, तो कंपनी ने 1438 करोड़ का सेल किया था और प्रॉफिट कितना हुआ तो मात्र 56 करोड़ का। कंपनी में सुधार कब से देखने को मिला है? तो यहाँ पर दोस्तों आप देखें कि 2019 में यह कंपनी बेशक 809 करोड़ का सेल किया था, लेकिन कंपनी जो लॉस की थी वो 778 करोड़। ये जो आपको माइनस में दिख रही है ना, ये सब रियल लॉस हैं, यानी कि कंपनी को 1 रुपये का फ़ायदा नहीं हुआ बल्कि घर से इतना करोड़ का लॉस हुआ है। कंपनी प्रॉफिट अगर पॉजिटिव दिखाती है कि 20% बढ़कर इस बार प्रॉफिट किया, इसका मतलब हुआ कि पहले अगर 100 रुपया प्रॉफिट कर रही थी तो इस बार इन्होंने 120 करोड़ का प्रॉफिट किया है। इसी चीज़ को अगर हम पूरा साल का एनालिसिस करके देखें तो यहाँ पर दोस्तों साल 2015 में इस कंपनी का सबसे दुर्भाग्य दिन था, जब इन्होंने 19,954 करोड़ के सेल करने के बाद भी इस कंपनी को देखें तो 9,000
133 करोड़ का घाटा हुआ था। लगातार ये कंपनी को घटा रही थी क्योंकि कंपनी जो लोन उठाई थी उसके बदले में ब्याज तो आपको देना ही देना है, साथ में मूलधन को भी लौटाना है, तो कंपनी के ऊपर बोझ बढ़ता गया जिनके कारण से ये कंपनी काफ़ी अंडर वैल्यूड परफॉर्मेंस करने लगी। फिलहाल कंपनी जो प्रॉफिट अब कमा रही है धीरे धीरे अपने कर्ज को चुकाने में लगी हुई है। फाइनेंशियल ईयर 22 में यह कंपनी कुल मिलाकर 6582 करोड़ का सेल किया था। इस बीच में कंपनी को मात्र 170 करोड़ का ही लॉस हुआ था। उसके पहले इस कंपनी को प्रॉफिट हुआ था 105 करोड़ का, लेकिन आने वाले फाइनेंशियल ईयर 23 के अंत में यह कंपनी 7000 का सेल करेंगे और इस बीच में कुल मिलाकर कंपनी को 2321 करोड़ का प्रॉफिट करेगी। अब आपके मन में सवाल हो रहा होगा कि कंपनी के पास है कर्ज कितना, तो भाई इनके पास बहुत कर्ज था, आप देख पा रहे हैं 14 करोड़ 15 17 19, तो धीरे धीरे इन्होंने अपने कर्ज को कम किया है और प्रजेंट में यानी सितंबर 2022 के अकॉर्डिंग इनके पास 3201 करोड़ की कर्ज है। एक नज़र सुजलोन एनर्जी के होल्डिंग को भी देखें तो यहाँ पर दोस्तों आपको 14.5% की हिस्सेदारी प्रमोटर की दिख रही है, लेकिन 100% शेयर गिरवी रखी हुई है। FI वाले के पास लगभग 8% की हिस्सेदारी है, डोमेस्टिक वाले के पास लगभग 8.5% और पब्लिक के पास लगभग 70% की हिस्सेदारी है। अब इन दोनों कंपनियों में कंपेरिजन किए तो सबसे बेहतरीन आगे चल के रिटर्न जो देगी दोस्तों वो है सुजलोन एनर्जी, क्योंकि सुजलोन एनर्जी जो है ना हवा के माध्यम से बिजली की उत्पादन करती है। अब हवा के हमें तो कहीं खरीदना पड़ेगा नहीं, सिर्फ मेंटेनेंस ही कॉस्ट बैठेगी, तो इसमें हमें ज़्यादा परफॉर्मेंस करने की संभावना बन रही है। फिर भी आपको खरीदारी करने से पहले इन दोनों शेयर में खुद से रिसर्च करनी चाहिए। पेनी स्टॉक है, चल गया तो चांद तक, वरना आप तो ज़मीन पे थे ही और रहेंगे भी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, साथ में सब्सक्राइब भी कर लें।